अद्य शनिवासर अथवा मंदवासर माँ कृष्ण पंचमी दिनांक 11 फेब्रुवारी 2023 चरक सूत्र अध्याय 5। शंखं चक्रं जलकां दधतमृतघटं चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोदितः संवृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्ये नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्मुनितत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। परंतु तो प्रवक्षामि धूमो येषां विगर्हिता, तो जिनको धूमपान का निषेध है उनके बारे में बताते हैं। न विरिक्त विवे धूमम न कृत भक्ति कर्म, विरेचन के बाद भक्ति कर्म के बाद न रक्ति न विषयण अर्थो रक्त पित्त या विष से अर्थ न शोचन न च गर्भिणी। जो शोक कर रहा है और जो गर्भिणी है, न श्रमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरी। तो गर्भिणी के बारे में धूमपान नहीं करना है, ये यहाँ पे एक नियम है। मैंने जर्मनी का एक अनुभव बताया था, फिर से एक बार दोहराता हूँ। एक 4 बरस का लड़का जिसको जन्म से ब्लैडर कैंसर था और फिर वो नर्वस सिस्टम में फैल गया और वो मरने वाला था 1-2 दिन में। मुझे बहुत जिक्र किया गया कि एक बार तो देखो कम से कम इस प्रकार। तो जब मैं देखने के लिए गया तो उसकी मेन कंप्लेंट थी वो कमर से पांव पूरे दुखते थे। उन्होंने पेट में एक वेनस सेक्शन करके मॉर्फिन की एम्पिल लगा दी थी और फिर जब भी वो जग जाता और रोने लगता तो फिर वो मॉर्फिन एम्पिल क्लोज करते और फिर वो निद्रित हो जाता। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं थी। जब मैं पहुंचा उसी समय में वो जग गया और रोने लगा। तो मैंने कहा कि आप ये मत करो, घर में ऑलिव ऑयल है तो थोड़ा गर्म करके दे दो। तो उन्होंने दे दिया। तो मैंने मसाज किया कमर से नीचे तक, तो 15-20 मिनट के मसाज के बाद वो सो गया। फिर मैंने माँ से बातचीत शुरू की तो उसने बताया कि उसको प्रेगनेंसी में बहुत सारा स्ट्रेस था और उसने हेवी स्मोकिंग किया, 30 सिगरेट छिड़ी। ये न गर्भिणी ये जो बात बताई, तो पुराने जमाने में भी इस प्रकार की औरतें करती होगी क्योंकि ये तो विदेश का मामला है।
और फिर हुआ ऐसे कि उसको जन्म से ही कैंसर हो गया। तो अब वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना चल रहा था, और उसको इस बच्चे का स्ट्रेस था, और उसका कहना था कि आई कांट सी हिम लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस एंड देन आई स्मोक। तो मैंने उसको कहा कि लुक यू आर अलोन नॉट गिल्टी फॉर दिस। तो थोड़ा चौंक गई, मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, तुम्हें शिक्षा सजा होनी चाहिए, लेकिन इस बालक का क्या अपराध। तो इसका अपराध यही है कि उसने तुम्हारे गोद में जन्म लिया है, और उसका पूर्व कर्म इतना बुरा है कि उसने तुम्हें चुन लिया इस प्रकार। अगर ये बात दोहराना नहीं चाहते हो तो तुरंत स्मोकिंग छोड़। उसको रिश्तेदारों ने, डॉक्टर ने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मान नहीं रही थी, लेकिन मेरे कहने पे मान गई थी। बीच में वो फिर से जग जग गया, तो मैंने उसके पिता को कहा कि तब तुम मसाज करो, उसके मसाज से भी सो गया। फिर मैंने कहा कि सोना है क्या घर में, तो बोले गोल्ड कॉइन है। तो मैंने कहा कि दूध और पानी उबाल के दूध शेष रखो और वो तैयार रखो दूध। तो उन्होंने इस प्रकार से किया, और फिर वो जब जग गया तो उसने पहले मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, इस प्रकार से कहा। तो थोड़ा दूध वो पिया, उसने पिया। तो कहने का तात्पर्य था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल गई, और वो 2 बरस में मरने वाला था, 2 दिन में मरने वाला था, वो 15 दिन तक जिंदा रहा। और दूसरा बालक जो था वो एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्वस्थ था इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि गर्भिणी में भी धूम्रपान का निषेध है, और ये बात रखनी है। न श्रमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे। श्रम मद आम पित्त प्रजाग्रह इसमें नहीं देना है। न ब्रह्मा मूर्छा ब्रह्म तृष्णा तो न क्षीणे नापि चक्षत। मूर्छा ब्रह्म तृष्णा में नहीं देना है, न क्षीण में नहीं देना है, क्षत में नहीं देना है, न मद्य दुग्धे पीतवा च स्नेहम न च माक्षितम। मद्य दुग्ध काम करके या स्नेहन या माक्षिक ये मधु लेने के बाद नहीं लेना है। मद्य दुग्ध एक विवेचन क्यों किया है मालूम नहीं, जनरल एक विवेचन का मतलब दोनों साथ में होना, यहाँ तो मद्य दुग्ध साथ में होना संभव नहीं लगता। धूमम न भुक्त्वा दधना च न च रुक्षः दुग्ध एव च। तो दही खाने के बाद दही नहीं लेना है, रुक्ष क्रुद्ध को नहीं लेना है। न तालु शोषे तिमिरे शिरस से अभिहते मुझे। तो तालु शेष में नहीं, तिमिर में नहीं, शिरस में आघात हुआ है तो भी नहीं। न शंख के न रोहिण्यम न मेह न मदात्य। शंख रोहिणी मेह और मदात्य येषु धूमो अकालेषु मोहात् पिबतियो नरः रोगात् तस्य प्रवर्धन्ते दारुणं धूमो विप्रमाद। तो ये अकाल में धूम अगर मोह से कोई आदमी करता है तो दारुण धूम विभ्रम से रोग बढ़ जाते हैं इस प्रकार से। अभी ये प्रायोगिक धूम्रपान करने वाले लोग तो नहीं रहेंगे इस प्रकार से, लेकिन सिगरेट फूंकने वाले काफी लोग हैं, और इसमें ये सभी बातें हम देखेंगे। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी रहेंगी कि जिसमें धूम्रपान का निषेध है। सिर्फ बात यह रहेगी कि ये एडिक्शन है तंबाकू का धूम्रपान। जनरली आपका लोग कितनी धूम कर पाते, कितनी मोटा है तो आए। हाँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि बीच में 10-15 बरस पहले बहुत ही लोग ज्यादा स्मोकिंग कर रहे थे। अब भी दिखते हैं, नहीं दिखते हैं ऐसे नहीं, युवा पीढ़ी खास करके दिखती है। और एयरपोर्ट पे मैं देख रहा था स्मोकिंग लाउंज में लड़कियां स्मोकिंग कर रही थी इस प्रकार से। तो ये भी अभी प्रचलन में आ गया है इस प्रकार से। तो
हम नहीं ही बताते हैं स्मोकिंग करना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये जो तंबाकू विरहित धूम्रपान होता है वो सुझाव दे सकते हैं धूम्रपान छुड़वाने के लिए इस प्रकार से। कल ही एक मरीज आया था, वास्तव में उसकी तकलीफ याद नहीं है, लेकिन माँ को कैंसर, पिता को हार्ट डिजीज, उसकी दोनों की डेथ हुई है। इसकी भी उम्र ज्यादा नहीं है, 31 है। और फिर स्मोकिंग उसका 10 सिगरेट्स पर डे, ऐसा काफी बरसों तक चला आया है। ड्रिंक्स भी है। तो इस प्रकार की अगर स्थिति है तो जिस कारण के लिए वो आया था उसके बारे में कहा कि मैंने ये ज्यादा, हाँ, मेदोज ग्रंथि थे लाइपोमा उसके लिए आया था। तो मैंने कहा कि उससे ये बहुत ही बेकार है, चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक और कैंसर, तो उससे बचना चाहिए, ये मैंने सुझाव दिया था। और लव मैरिज था, पत्नी 35 बरस की है, ये 31 बरस का है, और हाल ही में दिसंबर में लग्न शादी हुई है। तो इन सभी बातों को देखकर कैसी स्थिति है ये एक अलग बात है। प्रकार तो ये धूम्रपान जिन लोगों में नहीं करना है, नहीं करना है, धूमो योगा विभेद दोषे शिरो घ्राणाक्षी संश्रय ग्राणे नास्ते न कंठस्थे मुखे न घ्राण को वो में आस्ते न धूम कवलम पिबन घ्राणे न नो धूमे प्रतिलोम गतो ह्याशु धूमो निस्तब्ध चक्षुषी। जो धूम योग्य है वो भी शिरो घ्राणाक्षी संश्रय दोषे पिबे, शिरो घ्राण और अक्षि भी यहाँ पे है। तो ये नेत्र के लिए धूमपान हम कभी ज्यादा बताते नहीं है। घ्राणे नास्ते न कंठस्थे, कंठस्थ अगर विकार है तो घ्राण और आस्ते से धूमपान करना है। मुखे न घ्राण को वोमित, नाका नासा से लेते हैं तो भी मुंह से ही छोड़ना है। आस्ते न धूम कवलान पिबन घ्राणे न नो धूमे, मुखत से धूम कवल सेवन करने के बाद नासा से उसका वमन नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। प्रतिलोम गतो याशु धूमो ही इत्यादि चक्षुषी, तो प्रतिलोम गति से जाने वाला धूम ये चक्षु इंद्रिय को पीड़ा करता है, नाश करता है। तो ये भी एक बात अलग रहेगी कि नासा से कभी छोड़ना नहीं है, छोड़ना है मुख से ही छोड़ना है। नासा से या मुख से ले सकते हैं, लेकिन छोड़ना जो है वो मुख से ही छोड़ना है इस प्रकार से। तो ये शायद बात बनती है। रुज्वं चक्षुस्तच्चे ताः सूपविष्टस्त्रिपर्यायं तिवेच्छिद्रं पिधायैकं नासया धूममात्मनः। तो रुज्वंगः सरल वैश्य चक्षुस्तच्चे ताः, नेत्र भी उसी प्रकार के है और उसी के ऊपर ध्यान दिया है। सूपविष्टः त्रिपर्यायः, और अच्छी तरीके से बैठा इस प्रकार का, तीन तीन बार इस प्रकार से धूम पीना है। एक नाक नाक बंद करके दूसरे नाक से ओढ़ लेना है, धूम आत्मवान। तो इस प्रकार से आत्मवान व्यक्ति जो है धूम मान कर। चतुर्विंशतकम नेत्रम वांगुली भी विरेचने द्वादश द्वात्रिंशद अंगुलम नेत्रेह प्रयोगे अध्यर्घमिष्यते रुजुस त्रिकोषाफलितम कोलास्थ्यग्र प्रमाणितम दत्त नेत्र समद्रव्यम धूम नेत्र दृश्यते। ये हुक्का गुड़गुड़ी जैसा है, धूम नेत्र जो है वो भक्ति नेत्र के समय इस प्रकार का धूम नेत्र होना चाहिए। और चतुर्विंशति का 24 अंगुल प्रकार का नेत्र, नेत्रम स्वांगुली भी विरेचन, तो विरेचन के लिए 24 अंगुल होनी है। द्वात्रिंशद अंगुलम स्नेह, स्नेहपान स्नेह भूमि के लिए 32 अंगुल,
और प्रयोगे अध्यगमिष्यते। तो प्रयोग में अध्यर्थ वैरेचनिक नेत्रम एवं चतुर्विंशत अंगुल प्रमाणम सार्धम सत् चतुर्विंशत अंगुल प्रमाणम प्रायोगिकम धूमपाने प्रत्युगतु करण प्रत्ययात बोद्धव्यम यदा सार्ध त्रिवंशयुत पूर्ण हस्तो पूर्णो हस्ता प्रायोगिक। तो 24 का 1.5 गुना ये 36 अंगुल किस प्रकार का हो जाएगा, तो उतना प्रायोगिक में। तो रुजु है त्रिकोषा फलित कोलास्याग्र प्रमाणित कोलास्याग्र प्रमाणित तस्य नेत्र दमन समन्द्रवन दमन नेत्र दृश्यते। तो इनको प्रचलन में वास्तव में लाना है हमें। अभी इस प्रकार का धूम्रपान हम वमन के बाद धूम्रपान करवाते हैं, वो नासा से जो अभी निर्दोष सिगरेट आती थी उसका करते थे, अब उसका नाम कुछ बदल गया है, निर्दोष नहीं है, अलग धूम्रपान है। दूरादि निर्गता पर्वत चिन्हो नाड़ी तनु कृता नेन्द्रियम बाते थे धूम मात्रा काल निषेवित। तो मात्रा काल से युक्त तो इस प्रकार का धूम्रपान अगर करते हैं, दूर से आया हुआ पर्वत चिन्ह नाड़ी तनु कृता ये इंद्रियों को बाधा निर्माण नहीं करता, पीड़ा नहीं निर्माण करता। तो इस तरीके से धूम्रपान करना उचित ये है। यदा चौरश्च कंठश्च शिरश्च लघुतां व्रजेत कपश्च तनुतां प्राप्ता सुबीतं धूम्रमादिश। तो सम्यक योग कहाँ समझना है, तो उर कंठ शिर इसमें हल्कापन महसूस होना, लघुता कपश्च तनुतां प्राप्ता कफ तनु हो गया है तो सुपीत हो गया। दो स्वरो कंठस्थ सकफो भगे तिमितो मस्तकश्चैवम् अपीतं धूममादिश। तो यही नहीं हो गया है, अविशुद्ध स्वर कंठ और कंठ सकफ इस प्रकार का होना, मस्तक स्तिमित होना। तालुमूर्धा च कंठश्च शुष्यते परितप्यते। अध्याति योग का लक्षण है कि तालुमूर्धा कंठ ये शोष हो जाता है, ताप होता है उनमें। शुष्यते मोहित जंतु रक्तं च स्रवते दिखा, तृष्णा निर्माण होती है, मोह और अधिक रक्त निकलता है। शिरश्च भ्रमते चेतसा मूर्छा चास्योपजाय, शिरोभव मूर्छा ये निर्माण होते हैं। इंद्रियाणाम उपतप्यन्ते इंद्रियाणि उपतप्यन्ते तिमे चेतसा निषेवित। तो इंद्रियों में भी उपताप ज्यादा इस प्रकार का होता अगर धूम्रपान का उपयोग इस प्रकार का हो जाए। तो अभी ये सभी हमें रेगुलर जो सिगरेट है उसके बारे में भी सोचना है, इन सभी के बारे में। इस प्रकार के हमारा धूम्रपान करने वाले लोग करीबन नहीं के बराबर है, तो उनके बारे में सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन ये हमें प्रचलन में लाना है सभी लोग से, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। वर्षे वर्षेण तैलम च कालेश तृष्णाचरे प्रावृत शरद वसंतेशु गतम मेघे नभस्थले नस्य कर्म यथा कालम यो यथो इत्तम निषेवते तस्य न तस्य चक्षुर न घ्राणम न श्रोत्रम उपहन्यते न चि श्वेता न कपिला केशा श्मश्रूणि वा पुनः न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषिता मन्या स्तम्भा शिरःशूलम अर्पितम हनुसंग्रह येन सार्धा वो भेदौ च शिरः कम्पश्च साम्यति शिरः शिरः कपालानां सन्धयः स्नायुकण्डराः नावन प्रणीताश्चास्ते लभन्ते अभ्यधिकं बलम् मुखम प्रसन्नोपचित स्वर स्निग्ध भक्तिरो महा सर्वेन्द्रियाण वैमल्यम बलम बहुकुशा पचास्य रोगा सहसा प्रभवं ऊर्धा द्विगत श्रोत्रमांगेशु जनान लभते बल्लम। तो वर्षे वर्षेण तैलम च कालेश त्रिशुनाचरे अणूनाम स्रोतता मितमित अणुतैलम तच्चाग्रे वक्षमाणम शिरकमालानां पाठ क्या है वर्तमो वर्षे इति पाठ वर्तमो वर्ष में क्या कहते हैं। तो हर बरस में अणु तेल तीन काल में लेना है प्रावृत शरद वसंत।
वसंत मेघे न बस्तरे, जब आकाश में बादल न छाए हुए, विशेष करके प्रावृष्ट काल में तो ये देखना पड़ेगा। नित्य कर्म यथा कालम एव यथेक्तम यथोक्तम निषेवते, तो नित्य कर्म योग्य काल के अनुसार जो सेवन करता है। तो शायद अभी वसंत ऋतु आ रहा है, तो अभी वसंत ज्यादा टिकता नहीं है, और प्रावृत्त और शरद इनमें ये अणु तैल का नश्य करना उचित इस प्रकार का। तो फलश्रुति काफी वाइड है और ये भी ज्यादा प्रचलन में नहीं है। नश्य नियमित रूप से करने की चीज है लेकिन ज्यादा प्रचलन में नहीं है। तस्य चक्षुर न ग्रहण न श्रोत्र उपहन्यते, तो जो इस प्रकार का सेवन करता है उसका चक्षु ग्रहण और श्रोत्र इनका उपहनन नहीं हो पाता है। तो इंद्रियों के लिए ये करना जरूरी इस प्रकार का है, और बचपन से अगर इसकी आदत डाली जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, नहीं तारुण्य के प्रकार। तस्य शिष्य श्वेता न कपिला केशा श्मश्रूणि वापस, तो केश या श्मश्रु श्वेत या कपिल वर्ण के नहीं होते हैं, न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषता, और केश बाल झड़ते नहीं है और बढ़ते हैं, विशेषता बढ़ते हैं इस प्रकार से। काहे रुग्णात नाकात तेल टाकले की खूब शोभ हो, तो काहे छा दशात उतरून कंठक शोभ हो, तो अशा रुग्णात काय यंत्रणा कराए। बाद में घृतमस्य करना चाहिए, इस प्रकार की आदत होती है तो घृतमस्य करना है, नहीं तो शुरू में घृतमस्य से आरंभ करें, एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए घृतमस्य के ही करें, घृतमस्य ही करें। उससे एक बार अच्छी तरीके से स्नेहन हो जाए तो क्षोभ नहीं होता है, फिर बाद में आड़ू तेल का नस्य करेंगे, और फिर भी अगर तकलीफ होती है तो तुरंत घृतनस्य करें। और कंठ में आता है तो थूक देना है, वैसे वहां पे मर्शनस्य में तो यही बताया गया है कि उच्छिंकेत इस प्रकार से। तो मर्शनस्य या प्रतिमर्शनस्य क्या करना है ये अलग बात है। जो बीमारियां हैं सर से संबद्ध उसमें तो मर्शनस्य करना ठीक है, लेकिन प्रतिमर्श रेगुलरली कर सकते हैं, और घृत से आरंभ करके अणु तेल या क्षीरबला तेल या फिर क्षीरबला 101 आवर्ती वगैरह इस प्रकार के तेलों का प्रयोग कर सकते हैं जरूर। तो ये ज्यादा प्रचलन में अभी नहीं है, ये एक अलग बात है। तो मैं चाहता हूँ कि ये करे, रेगुलर रूप से करे, हम पहले शुरू खुद शुरू करें फिर बाकी लोगों को भी बताए, पेशेंट्स में बताए इस प्रकार से। तो खास करके बालों की समस्या है, बड़ी समस्या है, खलित खालित्य पालित्य ये बड़ी समस्या है, तो उसमें नस्य का नियमित रूप से प्रयोग होना ये जरूरी रहेगा। और ये एवीपी का एवीएस का ये दशपा की बला अणु तेल मिलता है, अच्छी क्वालिटी है, तो वही प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, और रुग्णों को भी वही दे देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें दिव्य जल के बारे में कहा गया है, अगर हम ये नस्य बनाने के लिए भी दिव्य तेल जल का प्रयोग करते हैं तो भी तेल बनाने के लिए तो भी अच्छा इस प्रकार का होगा। तो उसके लिए तो दिव्य जल का संचय करें, ये बात रहेगी। स्नोरिंग, हाँ स्नोरिंग के लिए भी होता है, ये त्र्यम्बकगुप्ते की किताब है एक, त्र्यम्बकगुप्ते की है, जनता जनार्दनाचा मुखातुन आयुर्वेदी उपचारांचा सत्य कथा, तो बड़ा टाइटल है। और उन्होंने वो भी विदेश में काफी गई है, बहुत पहले इस प्रकार से ये महर्षि महेश योगी के जरिए, और उन्होंने एक प्रदेश का अनुभव लिखा था कि इस प्रकार की स्नोरिंग की समस्या थी,
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि नस्य कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य है ये थोड़ा कफ होता है, वायु ज्यादा होता है स्नोरिंग में, तो नस्य नियमित रूप से करने से ये भी समस्या कम होती है। तो इसमें करना ये है, तो बालों की समस्याओं के लिए नस्य करवाना काफी जरूरी कहता है। और अभी तो इसकी फ्रेंचाइजी वगैरह की जा रही है केश आयुर्वेद करके, तो वो तो लोग कम से कम ये करें। मन्या स्तंभा शिर शूलम अर्जितम अनुसंग्रह तेन सार्धाव भेदौ च शिर कंपश्च शाम्यम। तो शिरक कंप भी इसमें, ये भी एक काम मिलता है। ये जनरली पार्किंसनिज्म का लक्षण माना जाता है शिरक कंप। और पार्किंसन्स वैसे भी एक डिफिकल्ट बीमारी है, कठिन है। अभी मैंने सुना है कि गांजुवीर के रिजल्ट पार्किंसनिज्म में भी अच्छे हैं। अभी मेरे पास पार्किंसनिज्म के पेशेंट नहीं है। जो नस्य कोण तो वापरावे केशांत कठी, यही करेंगे, अणु तेल का ही करेंगे। वैसे एक पंचेंद्रिय वर्धन तेल करके आयुर्वेद सेवा संघ की प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, वो भी अच्छी है। और क्षीरबला का प्रयोग कर सकते हैं, क्षीरबला 101 आवृत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बातें हैं। लेकिन सामान्य रूप से पहले घी, सिंपल घर का घी, और फिर उसके बाद में ये अणु तेल, ये करना आरंभ करें, ये बेहतर चॉइस इस प्रकार का है। और प्रतिमर्शन ऐसे करते रहेंगे, 2-3 बूंद 4 बूंद इतना ही करेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 3 ऋतुओं में कहा गया है, वसंत शरद प्रावृत और शरद, इन 3 ऋतुओं में कहा गया है। तो ये उसमें जरूर करते रहेंगे तो ये इंद्रियों की समस्या नहीं होगी। अभी हम इंद्रियों के बारे में ज्यादा बहस नहीं करते या फिर उसके लिए प्रयास नहीं करते, वो गलत बात है। तो फिर ये इसका प्रचलन लाना, खास करके हम ही से खुद आरंभ करना। मैं भी बहुत महीनों से सोच रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, मुझसे भी नहीं हो रहा। तो एक बार शुरुआत होनी चाहिए, ये बात मुझे लगती है। तो शिरक कंप ये खास करके पार्किंसनिज्म और गांजी गांजीवीर के नर्वस सिस्टम के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स है, तो उसका कहना था कि दो दो गोलियां गांजीवीर पार्किंसनिज्म में देते हैं और फिर मेंटेनेंस डोज में भी दो दो गोलियां 2 बार वगैरह इस प्रकार का हो सकता है, तो ये अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस प्रकार के। परपरुंड का तेल बागभट्ट खालित्य पालित्य ते ही पा सकाळे बनो ओके। तो अच्छी बात है, पार्थ काले की बात कर सकते हैं और इसका प्रयोग भलीभांति किया जा सकता है। मैं पहले पंचेंद्रिय वर्धन तेल का भी काफी प्रयोग करता था, अभी मरीज कम हो गए इस प्रकार से, लेकिन ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो प्रोपाउंडर का जी, प्रोपाउंडर का भी ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। शिरा शिरक कपालानाम संदेह स्नायु कंडरा नावन प्रणीताश्चा लभंते अत्यधिक बल। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। शिरा शिर कपाल की जो है वो संधि स्नायु कंडरा, तो इनमें रिजल्ट्स पाना काफी मुश्किल इस प्रकार की बात, क्योंकि इनमें जब बीमारी होता है शिरा स्नायु कंडरा वगैरह में तो वो डिफिकल्ट होती है। एक तो मध्यम रोग मार्ग में जो बताया
कि मर्म और संधि और उससे संबंध तेरा वगैरह इस प्रकार से ये मध्यम रोग मार्ग में प्रविष्ट होते हैं, तो वैसे भी वो डिफिकल्ट होते हैं। और नश्य से इनको बल प्राप्त हो जाता है, तो शायद हम उसके बारे में सोचे और संधिवात में भी नश्य का प्रयोग करें। शिरा स्नायु कंडरा स्तंभ संकोच सुप्तिर भी इस प्रकार से दुष्टा क्लिश्नन्ति मानव वातव्यादि में कहा गया है। तो ये मानव को पीड़ा रहती दुष्ट अगर हो जाती है तेरा वजह। नशे का प्रयोग तो मैंने भी नहीं किया है, लेकिन शायद को चलन में लाए इस प्रकार से। नेत्र रोग में तेरा भी दोष है, नेत्र रोग तो नेत्र रोगों में सिरा तक पहुंचने के लिए ये नृत्य एक अच्छा मार्ग है। नासा ही शिरसो द्वारम, ये भी बात सही है, तो वो भी एक ध्यान में रखनी है। और सिराओं में अगर काम करना है तो नस्य एक अहम मुद्दा प्रकार का रहेगा, शिर कपाल के सिराओं के बारे में। तो नेत्र रोग में सभी हमें इस प्रकार का करना चाहिए, मालूम नहीं है क्यों। अच्छा तो नेत्र रोग में ये सिराओं का आधार लेना। मुखम प्रसन्न उपचितम स्वर स्निग्ध शिरो महान, मुख प्रसन्न उपचित स्वर स्निग्ध स्थिर महान होता है। सर्वेन्द्रियाणाम वैमल्यम बलम बहुत। और सर्वेन्द्रियाणि येनाश्मिन प्राणायेषु च संस्थिता यद उत्तमांग मंगानाम शिरस तद विधीयते, और नासा ही शिरसो द्वारा। ध्यान में रखते हुए हमें नस्य के बारे में ज्यादा सोचना है, ये बात रहेगी। नचासे रोगा सहसा प्रभवंती ऊर्ध्व चतुर्या, अचानक इनको ऊर्ध्व चतुर्ग से विकार नहीं होते हैं। जीर्यतश्चोत्तम अंगेशु जरा न लभते। और जब वार्धक्य शुरू हो जाता है तो उत्तम अंग में जरा नहीं होती है, नहीं तो ये रिंकल्स होना ये काफी कॉमन है वार्धक्य के हिसाब से। और काफी लोग इसके बारे में सजग होते हैं कि न हो इसके लिए क्या करे वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये नस्य अगर होता रहता है तो ये वार्धक्य का परिणाम वहां पे नहीं दिखेगा इस प्रकार के। चंदना गुरुणी पत्रम दारित्वं मदकम बलाम प्रपौंडरीकम सुक्ष्मैलाम विडंगम बिडम बिल्वम उत्पलम त्रिभैरम अभयम मन्यम सारिवाम स्थिराम जीवंतीम पृष्ठकरणीम च सुरदारु शतावरीम हरेणु ग्रहतिम व्याघ्रम सुरभिम पद्मकेशरम विपाचे क्षतगुणे माहेन्द्रे विमलेन्द्र। अभय का मतलब उशीर होगा, यहाँ पे अभया नहीं है। और अभय इस नाम से जो दिखाया नहीं है कुछ तो ठीक है। उशीर का इस प्रकार से प्रयोग अभय नाम से प्रयोग ज्यादा दिखाई नहीं देता, में काफी सुगंधित द्रव्य है, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और जीवनीय गण भी अच्छी तरीके से है। तो सौगुण महेंद्र इस प्रकार का जल विमल जल, तैला दशगुणम शेषम कषायम अवतार है, और तेल से दश गुना इस प्रकार का काढ़ा
रखना है। तेन तैलं कषायण पद दश कृत्वो विपाचय, तो उस कषाय से 10 बार तेल शुद्ध करना है। अथा से दशमे पाके समावशम छागलम पया दद्या शेषोण तैल से नाभनीय से संविधि, तो दशम पाक जब होगा तो उसमें समांश इस प्रकार का जांगल पय सॉरी छागल पय देना है, बकरी का दूध देना है। अक्ष मात्रा प्रयुंजीता तैल से अर्ध पलोन्विता, यहाँ पे सीधी मात्रा अर्ध पल इतनी बताई है तो 20 ml होगा ये मर्षम नृत्य के लिए, अर्ध पल की मात्रा के हिसाब से तो काफी बड़ी मात्रा है। स्निग्धस्मिन्नोक्तमांगस्य से पिछना नावने स्त्रीभिः त्रयः त्रयः च सप्ताह में एतत् कर्म समाचार, तो स्निग्धस्मिन्न उत्तमांग और पिछना नावने ही त्रिभिः 3 बार नावन करना है, त्रयः त्रयः च सप्ताह 3 3 दिन के बाद इस प्रकार के 1 सप्ताह के लिए एक कर्म करे एतत् कर्म समाचार। ये सभी की मिलके शायद 20 ml की मात्रा बताई गई है। तो इसमें ये एक अहम मुद्दा है कि बिंदु प्रमाण बताया गया है और बिंदु का भाषांतर थेम या ड्रॉप इस प्रकार का किया जाता है, तो ड्रॉप्स कर दिया सभी ने भाषांतर में। वास्तव में बिंदु की एक अलग परिभाषा है कि अंगुलिया दो व्यान मग्न समुद्र का दो पर्वत तक ये अंगुली तेल में रखनी है और फिर निकाल के जितने भी क्वांटिटी होती है वो बिंदु है, एक बिंदु है। द्वयान मग्न समुद्र का यावत पतत तसो बिंदु, तो ये करीबन हाफ एम एल इस प्रकार की हो जाती है। और 6 बिंदु ये जो मात्रा है ये कम से कम 3 मिलीलीटर इतनी हो जाती है। 8 10 इस प्रकार के कहेंगे तो ये 4 ml 5 ml इतनी इतनी मात्रा हो जाती है। और फिर 3 3 बार करना है तो ये देखा जाए तो इस प्रकार की मात्रा काफी बड़ी है। तो गणेश बारहाते का इसके बारे में रिसर्च था एबड़ी का कुट्टकल में, और उन्होंने इस प्रकार की मात्रा में तेल का नस्य करवाया है। तो शुरू में वहां पे भी विरोध हो गया क्योंकि ड्रॉप्स भाषांतर लेके ये सब बता रहे तुम्हें नहीं इतना ही करना है वगैरह वगैरह। फिर उसने कन्विंस किया कि ये अगर उसकी परिभाषा है ड्रॉप बिंदु की तो ड्रॉप्स का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी बंदर बस्ती के बारे में वाथे द्विवंशति फलम द्रव्यशास्त्रो फलानि च वगैरह वगैरह जो बताया गया है काढ़ा निरोह के लिए वो एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा इस प्रकार का होता है। तो फिर ये कैसे करना है ये एक बात रहेगी। तो अगर हमारे पास 3 4 मरीज है तो उनके लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पास एक ही मरीज है तो इतने काढ़े का क्या करेंगे। तो लोग करते हैं कि उसमें से फिर एक तृतीयांश एक चतुर्थांश इतना ही बनाना इस प्रकार से करते हैं। लेकिन वहां पे जो बात आई है कि तृतीयोपि चतुर्थोपि यावद्वा सुनिरूढ़ता, 3 पुटक देने हैं 4 पुटक देने हैं, जब तक सुनिरूढ़ लिंग होते नहीं है तब तक ये करते ही रहना चाहिए इस प्रकार से। तो उसने ये बात वहां पे छेड़ी कि हमें केवल 1 पुटक देकर रुकना नहीं है, ज्यादा पुटक देने हैं इस प्रकार से। तो उसको भी विरोध हुआ। फिर उसने उसका एक जूनियर छात्र था उसके ऊपर ये प्रयोग किया, 3 पुटक दे दिए उसको, तो उससे आज के रिजल्ट आए। फिर वो लोग भी मान गए कि ठीक है ऐसा करना है इस प्रकार से। बीच में अगर थकान आती है तो मौसर रस दूध यूष इस प्रकार का देना है, लेकिन या जब तक सुनिरूढ़ लिंग नहीं होते हैं अच्छे तरीके से निरूहण नहीं हो गया ये नहीं होता है तब तक ये करते रहना चाहिए इस प्रकार।
तो हम जब पहली बार अष्टांग हृदय पढ़ रहे थे कोलटकर सर के यहाँ, जब मैंने प्रस्ताव रखा कि हम गुरुकुल शुरू करेंगे, अष्टांग हृदय पढ़ाएंगे और उसके लिए हम सभी को अष्टांग हृदय पहले पढ़ना चाहिए इस प्रकार से, तो मेरे काफी श्लोक कंठस्थ थे ये 14 15 16 17 18 19, ये सभी अध्याय 20 कंठस्थ थे। फिर भी बिंदु का ये मतलब मेरे ध्यान में भी नहीं आया था, या यावद वासु निरूढ़ता ये जो बात है वो भी समझ में नहीं आई थी, ये निरूह का लक्षण प्राप्त होने तक निरूह देते रहना चाहिए इस प्रकार से, सिर्फ बल को देखना है। तो हमने भी फिर वो शुरुआत कर दी और जब ये डिस्कशंस उस प्रकार के उस समय में हुए तो सभी लोगों के प्रैक्टिस में अच्छे रिजल्ट आने लगे, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन ग्रंथों के सूत्रों का हमें प्रैक्टिकल में मिलने लगा और काफी बातें सामने आई कि जो हमने कभी सोची नहीं थी, शायद देखते रहते पढ़ते रहते थे लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस तरीके से नहीं हो रहा था। और फिर गुरुकुल रेगुलर शुरू हो गया, अब हर बरस पढ़ाना है इस प्रकार से, 2009 से गुरुकुल चालू है, केवल ये कोविड-19 में 2 बरस तक बंद रहा, अभी फिर से अभी भी गुरुकुल चालू है इस प्रकार। तो मेरा सुझाव इसमें है कि लोग जो अध्याय शुरू से पढ़ाते आए हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं, ताकि उसके लिए तो अलग तैयारी नहीं करनी पड़े। कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो दिनों के हिसाब से करते हैं कि कौन सा दिन मेरे लिए सुटेबल है जाने के लिए, तो वो दिन लेते हैं, फिर उस दिन जो भी अध्याय है वो पढ़ाना है। मैं भी खुद इसी प्रकार से करता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस के झमेले में ये काफी मुश्किल काम होता है। तो जहाँ सुटेबिलिटी है वहाँ जाना ये बेहतर ऑप्शन है, और फिर जो सामने है वो पढ़ना है, उस दिन का जो भी सिलेबस हो वो पढ़ाना है। तो इसमें मुझे तो तैयारी करने के लिए कुछ नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं, या फिर टीकाओं में अगर कुछ मिलता नहीं है तो टीकाओं में झांकते हैं उस प्रकार। लेकिन कोलटकर सर का ऐसा कहना था कि हमें सभी विषय सिखाने चाहिए। कोलटकर सर खुद तो संस्कृत संहिता सिद्धांत में पढ़ाते थे, तो आयुर्वेद इतिहास संस्कृत चरक पदार्थ विज्ञान ये तो पढ़ाते थे, लेकिन शारीरिक निदान चिकित्सा ये भी पढ़ाते थे। और उनका कहना था जी कि जबकि हम पढ़ाते हैं तो हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, हमें अच्छे तरीके से विषय समझ में आता है। तो अध्यापन ये अध्ययन विधि का ही एक अंग है और इसलिए हमें सभी विषयों को पढ़ाना है, चाहे विषय तंत्र हो चाहे और कुछ भी हो इस प्रकार से। जितना हमारा ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, अनुभव हमारे है लोगों के है, वो पढ़ाते रहने चाहिए इस प्रकार से, ताकि हमारा पक्का हो जाता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें मिल जाता है ग्रंथों से। तो अभी मैं मानता हूं कि यही सिलसिला अच्छा है, हमारे दिनों के हिसाब से हम कौन से दिन अच्छे हैं ये देखकर उस दिन के लिए पढ़ाने के लिए जाए और जो पोर्शन है वो ले ले, चाहे हो सकते है सके तो उसकी तैयारी करें, ये ज्यादा अच्छा प्रकार का रहे। तो अर्धपलोन्मिता ये जो मात्रा बताई गई है ये शायद, क्योंकि ये 20 ईमेल हो जाता है इस प्रकार से, और तीन तीन बार 3 ईमेल करेंगे तो भी 9 9 हो जाएगा, एक नासापुट में एक ना दूसरे नासापुट में भी उतना, तो 18 मिलीलीटर में ये तो
एक दिन के भी हो जाता है। सिर्फ मर्शनत्य करने के लिए कंडीशंस अच्छी तरीके से चुननी चाहिए। प्रतिमर्श हर रोज कर सकते हैं, लेकिन प्रतिमर्श में भी अगर पीनस वगैरह इस प्रकार के ज्यादा विकार है तो प्रतिमर्श नहीं करना है, निषेध है वहां पे। तो दुष्ट पीनस वगैरह इस प्रकार के बात प्रतिमर्श के बारे में बताई गई है। और उसमें जब तक सामावस्था है तब तक नश्य नहीं करना है। ये ताराचंद वगैरह इस प्रकार के अस्पतालों में बचा तेल का नश्य करवाते थे, मुझे भी दिया गया था। सामावस्था की तो बहुत तकलीफ हुई इससे। तो सामावस्था में नहीं करना है, उसमें पाचन दीपन यही करना है, लंघन करवाना है। फिर पक्व दोष हो जाने के बाद शोधन नृत्य करना है, तो शायद षडबिंदु तेल वगैरह का प्रयोग करें इस प्रकार से। और फिर प्रतिमर्श नृत्य जो है वो बाद में, जो शोधन होने के बाद प्रतिमर्श नृत्य करें। तो सोच समझ कर नृत्य की प्रैक्टिस करनी है। शकुंतला देशपांडे की खासियत थी कि वो नृत्य चिकित्सा काफी मात्रा में प्रयोग में लाते थे। मुझे मालूम नहीं इसकी कोई किताब है क्या इस प्रकार, वो तो चल बसी, लेकिन उनकी कोई किताब है क्या इसके बारे में? वो खुद दिव्य जल का ही पान करते थे पूरे बरस में, और नस्य का काफी प्रयोग करते थे इस प्रकार से। तो ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा कि नस्य की प्रैक्टिस करना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। निवात उष्ण समाचार हिताशी नियतेन्द्रिया, निवात उष्ण समाचार इस प्रकार का करने वाला हिताशी नियतेन्द्रिय तैलम एत त्रिदोषग्नम इंद्रियाणाम बलप्रद। तो ये तेल जो है त्रिदोषग्न और इंद्रियों के बल देने वाला, प्रयुंजानो यथाकालम यथोक्ता नश्नुते गुणा। और जो इसका निरंतर सेवन करता रहता है वो उसके फल को प्राप्त करता है। तो मुझे लगता है कि ये नियमित रूप में प्रैक्टिस में लाने की चीज करती है, और बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे। आपोथिताग्रंथो कालो कषाय घटतुक्तम भक्षेत दंत पावन दंतम अवसाने अबाधे। को जिसका अग्रभाग इस प्रकार से पीड़न किया गया है, टूटा गया है, दो काल कषाय कटुचित इस प्रकार का दंत पवन, दंत मांस को पीड़ा न होते हुए सेवन करना है। एक अजीब बात है कि दंत धावन के बारे में सभी जगह भक्षय यही क्रियापद का प्रयोग है। अब हम भक्षण तो नहीं करते दंत धावन का, थूक देते हैं। और जहां जहां पे रेफरेंस है दंत धावन के, उस सभी में भक्षय इसी क्रियापद का प्रयोग है। तो शायद हमें ये खा लेना है। एक तो ये आपोथिताग्रं द्वौ कालौ इस प्रकार के जो है निम्ब वगैरह जो है उनका प्रयोग इस प्रकार से करना है, और उसको निकल जाना है कषाय कटतिक्त तथात्मक इस प्रकार के दंत मुख या कफ का स्थान है, और उसके हिसाब से भक्षण करना जरूरी इस प्रकार का। तो मैंने भी नहीं किया है ये, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। पवन का मटले है शुद्धि करने पुनाति इति पवन, जो शुद्ध करता है इसलिए पवन इस प्रकार का बताया लग रहा है। अच्छा इसके कारण हो सकता है तुमने लेकिन भक्षेत क्रियापद ही रहता है, दंत पवन हो दंत धावन हो दोनों के हिसाब में भक्षेत इसी शब्द का प्रयोग होता है। तो शायद उसकी तरफ किसी का ध्यान गया नहीं है। स्वच्छ करो सुनाती थी पवन, मग विकृत कफ मुखात जात नहीं था, अंदर चला जाता है, भक्षण करते हैं तो अंदर चला जाता है।
एक कफ का नाश होगा, कफग ने कटुतिक्त का शायद तीनों रस कफग है तो उसका नाश होगा, और फिर इसके जरिए कटुतिक्त कषाय रस का सेवन होगा। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी बात यह है कि तिक्त रस का सेवन या कषाय रस का सेवन उतना नहीं होता है, तो बेटर ऑप्शन है कि उसका सेवन कैसे करेंगे ये सोचे। तो ये एक बात हो सकती है कि सुबह सुबह ये करते हुए तो अभी दंत धावन में या हम जो चूर्ण प्रयोग करते हैं उसमें लवण रस भी होता है, उसमें मीठा भी होता है, टूथपेस्ट तो सभी मीठी ही है इस प्रकार से, तो ये काफी मुश्किल मामला है। हमारी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी मीठी है, केवल विको वज्रदंती की शुगर फ्री मिलती है, उसका प्रचलन कितना है मालूम नहीं, उसका उसकी बिक्री कितनी होती है और अभी मिलती है नहीं मिलती है भी मालूम नहीं है। सामान्यतः रोगियों को हम प्रतिमर्शन में शुरुआत से अणु तेल 2-4 बूंद डालने के लिए देते हैं। क्या इससे पहले शोधन के लिए षड्बिंदु तेल देना आवश्यक है? नहीं, एक शोभ होता है नहीं तो। तो पहले घी का नस्य देना उचित है, अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो वैसे भी अणु तेल चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर क्षोभ होता है जैसे कि मनोज ने कहा था तो पहले घृत नस्य से आरंभ करना और फिर अणु तेल का नस्य करवाना, और फिर भी तकलीफ होती है तो घृत नस्य फिर से करना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और मुख में आने से कंठ में आने से थूक देना इस प्रकार। पण परंपरेत असे भक्षण कुठे दिसत नाही, पूर्वी असे भक्षण करीत असतील तर कुठे ना कुठे अन्य साहित्यात उल्लेख आला असता। अभी चर्वण को भक्षण कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये मालूम नहीं है। दातुन जो करते हैं देहातों में खास करके, उसमें भी मैं तो बता रहा हूँ चलते हैं। तो दातुन जो करते हैं उसमें हम थूक देते हैं, निगलते नहीं है, नीम का अगर दातुन करते हैं तो निगलते नहीं, तो मालूम नहीं है थूकना कब से आरंभ हो गया और पहले उसका भक्षण किया जाता था क्या, परंपरा छूट गई इस प्रकार की। तो शायद इसके बारे में सोचे, हम खुद प्रयोग करके देखे। अभी दातुन का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर इस प्रकार से निगलना है तो नीम के एक्टिविटी का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। तो थोड़ा सजग होकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। और नीचे दंत विशोधन इस प्रकार की बात की है, शुरुआत में जीवन करून मुख स्वच्छ झाल्यावर नंतर भक्षण असे करता येऊ शकते, हो सकेगा। शुरू में निष्ठीवन करके जो कफ संचित है वो बाहर निकाल देंगे, फिर जो करेंगे वो निगल जाएंगे, ये बात हो सकती है, तो करके तो देखना चाहिए। मुझे लगता है क्या कि भक्षयत भक्षयत सभी जगह भक्षयत यही पाठ है, तो शायद इसके बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है, आज रुकते हैं, मैं जा रहा हूँ अंदमान को, तो अगला लेक्चर एकदम 21 तारीख को होगा, 20 तारीख को वैसे भी अमावस्या है, तो 21 ट्यूजडे ये शुरू फिर से शुरू करेंगे चरक से लेकर, तो तब तक विराम प्रकार के लेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निदतिशय शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो येन किल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आ
आयुर्वेदस्यमांशन पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वंतरिंदं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गोहिनूनं वैद्यवर्गोहिनूनं। बेबी च्यूइंग मुखरोग हेतु में द्विशतो दंत धावन आया है और योग रत्नाकर ने अपत्य में दिया है दंत काष्ठ। तो योग रत्नाकर पढ़ेंगे फिर भी एक बार। सरकार से निश्चित डोलास लावता वैसे खाना खाने के बाद भी इस प्रकार से नेत्र स्पर्श करने के लिए बात आई है तो ये भी एक बात हो सकती। विरम्य से व्याख्यान व्यापार मंगलवासरे एकविंशति दिनांके पुनरपि निरीक्षामः।